जनरल अवेयरनेस, एनवीएस के लिए जनरल अवेयरनेस। देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? IMPRESS योजना शुरू की गई। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की स्थापना कब हुई थी? ICSSR की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई। ICSSR की स्थापना किस अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई? ICSSR भारतीय सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई। शिक्षा मंत्री ने किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया? IIT गुवाहाटी में। किसके द्वारा IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल लॉन्च किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। परख 10 क्लॉस बोर्ड छात्रों के लिए बनाया गया। त्रिभाषा सूत्र में पहली बार तैयार की गई भाषा सीखने की नीति है 1968 में PM इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री का सम्मेलन कहाँ से शुरू होता है? गुजरात। भारत ने WMCC बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आधारित स्थिति की समीक्षा की। 24 दूध और अंडे एग देने की योजना किस राज्य में शुरू की गई? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने सभी आंगनवाड़ियों के लिए योजना शुरू की। रथ योजना कहाँ शुरू की गई है? विद्या रथ योजना आसाम के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शुरू की गई। रथ योजना को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? निजी शिक्षण संस्थान के द्वारा डिजिटल क्लासरूम ऑन व्हील्स शिक्षा रथ लॉन्च किया गया। सर्व शिक्षा अभियान SSA कब लॉन्च किया गया? 2001 में शुरू किया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी योजना है। SSA बच्चों को यूनिवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन दिलाने के लिए शुरू की गई।